हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इनसाइट। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है एंड इसका ईयर ऑफ लॉन्च एंड कौन सा सेक्टर। सो ये सब बेसिकली आपका यूजीसी नियर जेआरएफ एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा दो क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही है एंड आपको ये आंसर करेक्टली देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कोरिंग पर्पस के लिए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 से लेकर 2015 तक कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। सो हम जल्दी जल्दी कवर करना चाहेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्कीम का नाम, लॉन्च ईयर, सेक्टर्स, मिनिस्ट्री, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो स्कीम है वो आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट MSSC स्कीम है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में फिलहाल लॉन्च किया गया, बजट में पेश किया गया। 20 रिसेंट जो बजट है हमारा 2023, उसमें ये बजट फिनांस मिनिस्टर ने पेश किया था कि महिला, गर्ल्स एंड वुमेन जो है उनको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया जाए। सो ये लॉन्च ईयर है 2023 एंड सेक्टर्स जो है फाइनेंशियल रिलेटेड सेक्टर है। देन नेक्स्ट स्कीम जो है वो आपका अग्निपथ स्कीम है, ये भी एक वेरी कंट्रोवर्शियल स्कीम रहा है एंड ये लॉन्च हुआ 2022। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है एंड ऑलरेडी मैंने बोल दिया 2022 का स्कीम है, डिफेंस इसका एरिया ऑफ सेक्टर से या तो एरिया ऑफ वर्क है। देन नेक्स्ट पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना अभियान, जो पीएम पोषण रिलेटेड है एंड पोषण रिलेटेड दैट मीन्स न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट रिलेटेड स्कीम है। सो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है या 2021 को लॉन्च हुआ है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स इसका एरिया ऑफ वर्क है। देन नेक्स्ट जो आता है वो आपका स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्ट्स। सो यहाँ पे जो बेसिकली आता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, 2020 में स्कीम लॉन्च हुआ था एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में यह था, ये भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। देन सबामिता मितवा योजना, ये एक आपका मैपिंग, विलेज मैपिंग सर्वे रिलेटेड स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, 2020 में लॉन्च हुआ है एंड सेंट्रल स्कीम से एंड रूरल डेवलपमेंट उसका सेक्टर से। देन आपका स्कीम आता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये एक पुअर वेलफेयर स्कीम है एंड एम्प्लॉयमेंट कैंपेन है सेंट्रल स्कीम से। बहुत सारा मिनिस्ट्री आता है, 12 मिनिस्ट्रीज में आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से इसका, 2020 को ये लॉन्च हुआ था। देन पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो एक फिश रिसोर्स स्कीम है, जो PMMSY फिश रिसोर्स स्कीम है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एग्रीकल्चर, ओके मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एनिमल हस्बेंडरी डायरिंग इसका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, 2020 को लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री फिशरीज उसका सेक्टर से। नाउ नेक्स्ट स्कीम जो है वो आपका पीएम किसान सम्मान निधि। सो ये पीएम किसान पीएम फार्मर्स ट्रिब्यूट फंड है, सेंट्रल स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, 2019 को लॉन्च किया एग्रीकल्चर इसका सेक्टर से। देन जल जीवन मिशन वाटर लाइफ मिशन है, जल जीवन मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है, 2019 को ये लॉन्च हुआ था, रूरल डेवलपमेंट इसका सेक्टर से। नाउ नेक्स्ट है जो आपका अटल भूजल योजना, जो अटल जल अटल ग्राउंड वाटर स्कीम है सेंट्रल स्कीम से, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, 2019 को लॉन्च किया गया था, वाटर इसका वर्क एरिया है या तो सेक्टर से। देन पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महावयन, सो ये एक पीएम कुसुम स्कीम है, पीएम एनर्जी सिक्योरिटी एंड अप्लीमेंट कैंपेन है, ये सेंट्रल स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, 2019 में लॉन्च हुआ था एग्रीकल्चर्स का सेक्टर से। देन पीएम श्रम योगी मानधन, ये एक PMSYM स्कीम है, देन सेंट्रल स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसका मिनिस्ट्री है, 2019 को लॉन्च हुआ था, फिनेंशियल सिक्योरिटी इसका वर्क एरिया है तो सेक्टर से। देन आयुष्मान भारत योजना, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है आयुष्मान भारत, सो ABPM जय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीपल्स हेल्थ स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, 2018 में लॉन्च हुआ है, हेल्थ सेक्टर्स इसका वर्क सेक्टर से या तो डेवलपमेंट सेक्टर है। देन पीएम अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान, ये एक पीएम आशा फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम है सेंट्रल स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर रिलेटेड मिनिस्ट्री है, 2018 में लॉन्च हुआ था एग्रीकल्चर इसका सेक्टर से।
ना समग्र शिक्षा जो है वो नेशनल एजुकेशन मिशन है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। 2018 इसका लॉन्च ईयर है एंड एजुकेशन इसका सेक्टर से, वर्क सेक्टर से। ना पीएम जन विकास कार्यक्रम PMJVK, सो पीएम पीपल्स प्रोग्रेस प्रोग्राम है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से। पीपल प्रोग्रेस मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। 2018 इसका लॉन्च ईयर है, डेवलपमेंट इसका सेक्टर से, वर्क सेक्टर से। देन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, नेशनल विलेज स्वराज कैंपेन, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के अंडर में आता है। 2018 में लॉन्च हुआ था, रूरल डेवलपमेंट उसका सेक्टर से। देन PM मातृवा वंदना योजना, PM मैटरनिटी सपोर्ट स्कीम्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अंदर आता है। 2017 में लॉन्च हुआ था, मदर केयर रिलेटेड स्कीम है ये। देन वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम, जो ये सेंट्रल स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। 2017 में लॉन्च हुआ था, एजुकेशन इसका वर्क सेक्टर है। देन खेलो इंडिया, खेलो इंडिया एक स्पोर्ट्स रिलेटेड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, सेंट्रल स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में आता है। 2017 इसका लॉन्चिंग ईयर है एंड देन स्पोर्ट्स इसका वर्क एरिया या तो डिपार्टमेंट रिलेटेड काम है। देन किसानोती योजना, किसानोती योजना ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर रिलेटेड मिनिस्ट्री है। 2017 में लॉन्च हुआ था, एग्रीकल्चर रिलेटेड इसका वर्क है। देन PM उजाला योजना, PM लाइटनिंग स्कीम, लाइटिंग स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे क्या मिनिस्ट्री है ये मैं भूल गया ऑलरेडी, तो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ आपका कुछ कुछ रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड मिनिस्ट्री है, मैं भूल गया ऑलरेडी, सो मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, देख लेना आप लोग। सो 2017 में ये लॉन्च, 2016 में ये लॉन्च हुआ था, एनर्जी हेल्थ एंड पॉवर्टी रिलेटेड स्किल है। सो देख लो बेसिकली ये जो स्कीम है वो आपका एनर्जी हेल्थ एंड पॉवर्टी रिलेटेड ये सेक्टर से उजाला योजना है। सो नेक्स्ट स्कीम जो है वो आपका है PM फसल बीमा योजना, PM क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, ये सेंट्रल स्कीम्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आता है। 2016 में लॉन्च हुआ था, एग्रीकल्चर रिलेटेड इसका वर्क एरिया है। नाउ नेक्स्ट जो है वो आपका स्टैंड अप इंडिया, सेंट्रल स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दोनों मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। 2016 में लॉन्च हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप इसका वर्क एरिया है। देन नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति योजना के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में आता है एंड 2016 में लॉन्च हुआ था, वाटर इसका वर्क एरिया है। देन PM कौशल विकास योजना, PM स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, सेंट्रल स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। 2016-15 इसका लॉन्चिंग ईयर है एंड स्किल डेवलपमेंट इसका सेक्टर से। नाउ नेक्स्ट डिजिटल इंडिया, ये भी काफ़ी पॉपुलर स्कीम रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिनिस्ट्री है। 2015 में लॉन्च हुआ है, IT इसका सेक्टर से। नाउ नेक्स्ट जो है PM आवाज योजना, सो PM आवाज योजना जो अर्बन एंड PM आवाज PMAYR PM हाउसिंग स्कीम्स अर्बन है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। 2015 में लॉन्च हुआ था, हाउसिंग एंड अर्बन इसका सेक्टर से। अटल पेंशन योजना जो पेंशन रिलेटेड स्कीम है, सेंट्रल स्कीम से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। 2015 में लॉन्च हुआ था, पेंशन रिलेटेड इसका सेक्टर से। द नेक्स्ट ओके PM सुरक्षा बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM सेफ्टी स्कीम से, जो सेंट्रल स्कीम से एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। 2015 में लॉन्च हुआ, इंश्योरेंस रिलेटेड उसका स्कीम है। देन PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, जो एक लाइफ लाइट इंश्योरेंस स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। 2015 में लॉन्च हुआ है, इंश्योरेंस का सेक्टर से। देन उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ये सेंट्रल स्कीम से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है एंड 2015 में लॉन्च हुआ था, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका वर्क एरिया है। देन PM कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसका मिनिस्ट्री है। 2015 में लॉन्च हुआ था, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इसका स्कीम का सेक्टर से। देन सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी स्कीम से,
टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है, 2015 में लॉन्च हुआ है। गर्ल चाइल्ड के लिए बेसिकली स्कीम है। ये जो स्कीम है बेसिकली फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन एंड फॉर मैरिज पर्पस। सो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो। एंड इस वीडियो इस चैनल में सभी तरह की जॉब अपडेट भी मिलता है, साथ के साथ UGC नेट GRF के लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियो भी अपडेट करता रहता हूँ मैं। सो वीडियो को लाइक करो। एंड आप अगर और स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, लाइक प्रीवियस जो अपकमिंग जो स्कीम आ रहा है या तो जो बैकडेट स्कीम्स है लाइक 2014, 2015, 2013 का, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं और एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। फिलहाल इस वीडियो के देख के जाने से भी आपके एग्जाम में शायद एक दो क्वेश्चन बन जाएगा, ये डेफिनेटली बनना भी चाहिए क्योंकि ये सभी लेटेस्ट स्कीम है एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट का स्कीम है। सो डेफिनेटली यहाँ से ही आना चाहिए। 2014 के बाद से जो स्कीम है वही आप देखो, 2014 से लेकर 2023 तक जो स्कीम है उसको आप देखो, क्योंकि वो लेटेस्ट स्कीम ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली। सो